वैसे जेठालाल इस बार तो ठीक है, लेकिन आइंदा जरा वक्त पर चेक दे देना। हाँ, वक्त पे चेक दे देना मतलब क्या भाई? हाँ, आज आखिरी दिन था ना, शाम तक इंतजार नहीं कर सकता था, पहुंच गया घर पे चेक लेने के लिए। तुम क्या मुझे तुम्हारी दुकान में काम करने वाला मगन समझ रहे हो, जो इस तरह गुस्से से बात कर रहे हो मुझसे? हमको तो सिंपथी है जेठालाल से कि इसका 25 लाख का चेक गुम हो गया, लेकिन ये जेठालाल गुस्से से उछल रहा है, उछल रहा है। क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी 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 जेठालाल, सॉरी सॉरी सॉरी। एक फालतू छाता नहीं संभाल सकते और चले शादी कर ले। ओए जेठा परा यार, ओ शांत हो जाओ। छोटे, तुमने मुझे मारा? ओ यारी दोस्ती में जैसे मैं हमेशा सबको ताफी देता हूँ वैसा किया, देखा? छोटे, छोटी, ये जेठालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, आज ये तुमसे लड़ने के मूड में है। हाँ मैं हूँ, करूंगा, सब पे गुस्सा करूंगा। अरे जेठालाल, अरे मिल गया, 25 लाख का चेक मिल गया। अरे वाह, मिल गया, कहाँ से मिला? मेरे पैंट की जेब में से। वैसे टप्पू के पापा, गलती आपकी थी, आप चेक खुद अपनी जेब में रखकर भूल गए और आज अपने सब पर कितना गुस्सा किया। मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहे हैं? अरे सब लोग अभी भी कंपाउंड में हो तो सबको सॉरी बोल के आता हूँ। ये चेक तू संभाल कर रख दे, कल सुबह मुझे याद से देना। हाँ ठीक है। आओ भाई, आओ जेठालाल। भाई भिड़े, सॉरी भाई, सॉरी अय्यर भाई, सॉरी पोपटलाल, सॉरी हाथी भाई, सॉरी। अरे जेठा भाई, आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप मुझ पे तो गुस्सा ही नहीं हुए। अरे हाँ सॉरी, मतलब आपका सॉरी वापस लेता हूँ। छोटी सॉरी दोस्त, चाहिए तो 2-4 धब्बे और मार ले भाई। जेठा भरा तुझे भी क्या रे? वो एक बात ना, या दूजी तापी दूँ? नहीं नहीं भाई, एक में ही मजा आ गया। मजा आ गया ना? सॉरी सॉरी भाइयों, सच में दिल से सॉरी। आप लोगों को मैंने बिना वजह खरी खोटी सुना दी, सॉरी है। यार तू अपना यार है, ये तो चलता रहता है। ये हुई ना बात जेठालाल। देखो दोस्तों, मैंने कहता था कि मेरे दोस्त का गुस्सा बिल्कुल सोडा वाटर की बोतल की तरह है, जिस तेजी से सोडा निकलता है वैसी तेजी से वापस बैठ भी जाता है। सही बात है। और क्या है, टप्पू के पापा ने अभी खाना भी खा लिया है और 25 लाख का चेक भी मिल गया है, इसलिए गुस्सा गायब। अरे वाह, अरे वाह, अरे चेक मिल गया, क्या बात है भाई। अरे हाँ सच्चे, इतना टेंशन था, मिल गया, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। मिल गया ना चेक जेठालाल, इसलिए बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े। सॉरी आप मतलब, और बेमतलब गुस्सा करने वाले को लोग सनकी बोलते हैं। पुटलाल, ये बात तुम जेठा भाई के लिए कह रहे हो या स्वयं के लिए कह रहे हो? क्या बोल रहे हैं आती भाई? सही बोल रहे हो। लेकिन वैसे दोस्तों एक बात तो है कि गुस्सा ज्यादा देर तक दिल में दबा के रखना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भाई दादा, आप तो जेठालाल को गुस्सा करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं गुस्सा करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि यू शुड नॉट हार्बर एंगर इन द हार्ट। समझी? आप जितना परिस्थिति, मतलब क्या फायदा है उस चीज का? गुस्सा होना चाहिए समुद्र की लहरों की तरह, किनारे पे आई और छू के वापस चली गई, ठीक वैसा ही हो, गुस्सा आया और चला गया, बिल्कुल दिल पे सवार नहीं होना चाहिए गुस्सा। समझ गया मत साहब, एकदम समझ गया। अब के मैं भी गुस्सा समुंदर के लहरों की तरह करूंगा, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे किनारे को छू के वापस आ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों यारो, आप सबने मुझे माफ कर दिया क्या? नहीं, हाँ कर दिया जेठा भाई। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, हाथी भाई के माफ करने से क्या होगा? हाथी भाई पे मैं थोड़ी गुस्सा हुआ था। अरे अरे भाई, आप सब लोग जेठा भाई को माफ कीजिए ताकि जेठा भाई कुछ कुल्फी उल्फी मंगा सके और मजा आएगा। हाँ, कुल्फी। बिल्कुल बिल्कुल, अब भी कुल्फी मंगाता हूँ, बोलो नाव जी मंगाओ।
हाँ भाई माफ किया माफ किया 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 भाई माफ किया। थैंक यू। एक मिनट, नहीं मतलब मैं कुल्फी मंगा रहा हूँ इसलिए माफ किया कि सच में दिल से माफ किया? नहीं भाई सच में माफ किया। हाँ। और जेठा प्रा, और दिल से माफ कर दिया। हाँ। बल्ला बल्ला बल्ला, बल्ला बल्ला बल्ला, बल्ला 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 बल्ला। क्या हो गया गोगी को? बल्ला 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 बल्ला। गोगी बता इधर ला यार। हाँ पापा। और जोर के बजाओ। बल्ला 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 बल्ला। ऐसे तो तोड़ देगा तू यार। बढ़िया तो बजाया क्या? बढ़िया भाई डफली है, ऐसे थोड़ा प्यार से बजाते हैं, नाजुक सी चीजें मोहब्बत के साथ ऐसे। क्या बात है वैसे मतलब सब गाना भी हो जाए। गाना बहुत अच्छा है सर, फर्स्ट क्लास मजा आएगा गाना इस वक्त। अरे हो जाए गाना 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 लो गाना हो जाए फिर। बैठो 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 बैठो। अरे अच्छा आ जाए। वाह वाह। क्या क्या किस बात के लिए वाह?
आपने वाह बोला और आप खुद ही भूल गए किसके लिए बोला वाह। मैंने किस लिए वाह बोला वो मुझे याद है, मैं तेरा पूछ रहा हूँ, तूने दो बार वाह वाह बोला वो किस लिए? देखिए पहला वाह आप जिस अंदाज से वाह बोले ना उसके लिए, और दूसरा वाह आपने जिसके लिए बोला उसके लिए। लेकिन मैंने तो वो मेहता साहब ने अभी जो गाना गाया ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, उसके लिए वाह बोला। हाँ हाँ, तो मैंने भी दूसरा वाह मेहता साहब ने जो गाना गाया ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, उसके लिए ही बोला। तुझे पता था मैंने मेहता साहब के लिए वाह बोला? ये फेकू चंद, तुझे कैसे पता? अभी आपने ही तो बताया। ए जलेबी भाई, क्या गोल गोल बातें करके दिमाग को घुमरिया चढ़ा रही है? अरे मेरे फाफड़े राज्य में तो मजाक कर रही थी। दया तू भी ना। दरअसल टप्पू के पापा, मैं तो आपको खुश देखकर वावा कर रही थी, आप टेंशन में सबको कैसे वड़का भर रहा था, गुस्से में सबको डांट रहा था, मुझे तो टेंशन हो गया कहीं सबके साथ रिश्ते ना बिगड़ जाए, आपकी तबीयत कहीं ना बिगड़ जाए, लेकिन आपने सॉरी बोलकर सबको मना लिया, और सबसे मेन बात, आपका गुस्सा गायब हो गया, तो अब आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। दया, तुझे मेरी कितनी फिकर है? फिकर तो करूंगी ही ना, आप मेरे फकीर जो हो। सॉरी सॉरी, मतलब आप मेरी तकदीर जो हो, आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख। मेरी माँ हमेशा कहती है पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए। पेंटिंग? पेंटिंग पेंटिंग चित्र को। अरे भाई पेंटिंग में समझा, लेकिन पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए मतलब? मतलब देखिए, आप जितना अच्छा पेंटिंग बनाओ पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है, ठीक वैसे ही पति को आप जितना अच्छी तरह बनाते रहो वो बनता रहेगा। अरे नहीं बाबा, मतलब आप पेंटिंग को जितने दिल से बनाओ पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है, वैसे ही आप पति को जितना दिल से प्यार करो, उनका ख्याल रखो, उतनी ही पति के पेंटिंग अच्छे बनेगी। नहीं नहीं नहीं, पेंटिंग नहीं, पति के साथ लग्न जीवन खुश खुशहाल रहता है। तो पेंटिंग? चुप, पेंटिंग क्या? पेंटिंग कौन बनाएगा? किसकी? पति की। कौन बनाएगा? तू बनाएगी ना? नहीं 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 बाबा, मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता है। तो क्या कब से पेंटिंग 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 कर रही है? नहीं नहीं, आप पेंटिंग भूल जाइए पेंटिंग। देखिए मेरे जीवन का एक ही सपना है, आप और हमारा परिवार। मैं परिवार में नहीं हूँ? हो ना। तो फिर आप और हमारा परिवार ऐसे अलग अलग क्यों बोले? अरे नहीं नहीं नहीं, आप परिवार में ही हो, आप परिवार में ही हो। देखिए आप, टप्पू, बापूजी और मैं, हमारा परिवार खुश रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, और भगवान आपकी सारी चिंताएं मुझे दे दे। वाह दया, 2400 घंटे तेरे मन में हमारी चिंता ही रहती है। नहीं सच में मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली। नसीब वाली तो मैं हूँ कि पति के रूप में आप मुझे मिले। तो कितनी अच्छी है दया, और मैं हमेशा तुझे वड़का भरता रहता हूँ। सच में पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी इस जन्म में मुझे तू मिली। बस बस, आप मेरी तारीफ मत कीजिए। अरे तू तारीफ के काबिल है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ ना। फिर भी आप मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे मुंझवण होती है। तू कितनी महान है दया, तुझे अपनी तारीफ सुनना भी पसंद नहीं।
नहीं नहीं मैं महान भी नहीं हूँ और मुझे मेरी तारीफ भी नहीं सुननी प्लीज टप्पू के पापा। अरे सुननी पड़ेगी तेरी तारीफ में कविता तो क्या, मुझे पूरा ग्रंथ लिखना चाहिए दया भारत। अरे ये क्या बोल रहे आप, मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। अरे सुनना पड़ेगा। नहीं, नहीं तो सुननी नहीं 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 सुन। अरे सुन दया, हमेशा तो हम सबको खुश रखती है, लेकिन अब मैं तुझे खुश करने के लिए तूने सोची भी नहीं होगी ऐसी एक जबरदस्त स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हाँ, ओके, थैंक यू, लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अब शुरू होता है मिशन दया सरप्राइज। बाबूजी, सॉरी बाबूजी, क्या कर रहे हैं बाबूजी? ये इसने बीच में पैर डाला तो मैं आपके ऊपर गिर गया बाबूजी, सॉरी सर। क्या कर रहा है टप्पू? नहीं पापा, मेरा पैर तो कब से यहीं था, आपने नहीं देखा इसलिए शायद आप गिर गए। चुप रे, तू चुप रे। टप्पू को क्या डांट रहा है तू, ऐसे वहां से घूम के नहीं आ सकता था? अरे बाबू चल, यहीं पे तो खड़ा था, अब घूमने की क्या जरूरत है? अरे एक मिनट, बोल क्या? अरे अभी क्या बताने के लिए मुझ पे कूदा था तू? हाँ वो बापूजी, क्या क्या बोलना क्या चाहता है तू? बापूजी दया के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान बनाया है। क्या क्या है बापूजी? दया, हम सबको खुश रखने के लिए हमेशा 24 घंटे सैनिक की तरह सचेत रहती। हाँ वो तो है जेठिया, बहू के जीवन का तो मंत्र ही है परिवार को खुश रखना है। हाँ, मम्मी कभी खुद की खुशी के बारे में सोचती भी नहीं है। इसीलिए दया खुश हो जाए ऐसा मैंने एक सरप्राइज प्लान सोचा है बापूजी। लेकिन क्या वो तो बता। वाह जेठिया, तू सच कह रहा है ना? हाँ, मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बापूजी। वाह जेठिया, आज तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है। बापूजी अब समझ में आया तूने नए कपड़े क्यों पहने। शाबाश जेठिया, शाबाश, आज मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। बापूजी शाबाश पापा, शाबाश, आज मुझे भी आप पर बहुत गर्व हो रहा है। वाह वाह मेरा बेटा, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू जेठिया, ऐसा प्लान तो शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए बनाया होगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये तो आपका बड़ा फन है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बाबूजी टप्पू, आप दोनों फटाफट तैयार हो जाइए। अरे नहीं भाई, नहीं मैं नहीं आऊंगा। एक काम करो, तू बहू और टप्पू तुम तीनों चले जाओ। नहीं दादाजी, मैं भी नहीं, ये प्लान ओनली फॉर मम्मी एंड पापा। अरे नहीं, आप दोनों के बगैर ये प्लान अधूरा है बापूजी। टप्पू सही कह रहा है, जेठिया तुम दोनों जाओ। हाँ पापा, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी मिशन शुरू करो और मम्मी को बुलाओ। दया, दया। हाँ बोलिए। ए चाकू, सच में ककड़ी भी है, कचुंबर बना रही थी। अरे ये कोई वक्त है कचुंबर बनाने का?
आप बापूजी को सामने मुझे मत डांटिए वरना बापूजी आपको डांटेंगे। अगर मुझे डांटनी है तो अंदर जाकर डांटिए ना। आज मैं तुझे बापूजी का सामना डांटूंगा तो भी बापूजी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना बापूजी? चल चल अबे, खबरदार जो बहू को डांटा तो। नाटक नाटक में भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं डांटता हूँ। दया जा, जल्दी तैयार हो जा। अरे लेकिन तैयार होकर कोई खाना थोड़ी बनाता है। अच्छा तो तैयार होकर क्या करते हैं? अरे तैयार होकर बाहर घूमने जाते हैं। तो इसीलिए तैयार हो जा। अरे क्यों? अरे मम्मी ज्यादा सवाल मत पूछो, पापा तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं। कहा? अरे वही तो सरप्राइज है। टप्पू के पापा बताइए ना क्या सरप्राइज है प्लान्स? अरे सरप्राइज बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? और मम्मी कोई ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं, बहुत धमाकेदार सरप्राइज है। तू जल्दी तैयार हो जा। हेलो, बोलो बोलो बोलो, कहाँ पहुँचे? हाँ तो बस उधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट ले लो, और लेफ्ट में आगे आगे आएंगे ना, उधर ही है गोकुलधाम सोसाइटी। आप पहुँचो, हम लोग बस नीचे उतर ही रहे। कहाँ लेके जा रहे बताइए ना। अरे तो चलता सही, मैंने बोला ना सरप्राइज है दया। अरे फिर क्या है बता दीजिए ना। चल चल चलता सही। अरे छोटी आती भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा परा, और सवेरे सवेरे कितने चालू पूछ ले। हाय फ्रेंड्स। भाई पूरा गड़ा परिवार एक साथ कहाँ चला भाई? हाँ जेठालाल के हेड वेट के पिकनिक पे जा रहे हो क्या? नहीं नहीं मैं तो अंकल पापा मम्मी को बहुत बड़ी सरप्राइज दे रहे। अरे वाह क्या जेठा भाई दया भाभी को सरप्राइज दे रहे हैं। अरे वाह तारक कुछ सीखे जेठा भाई से। हाँ भाई मैं भी तुम्हें दूंगा सरप्राइज, तुम भी दया भाभी से अच्छा खाना बनाना सीख लो। क्या सभी लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं सब अचानक? पता नहीं कुछ। अरे भाई भिड़ो, ये कौन है? पता नहीं कौन है बेशिस्त। मिस्टर जेठालाल। हाँ इधर भाई हाजिर हूँ। आपकी गाड़ी रेडी है। अच्छा जेठा ब्रा, और तुम दया भाभी को फर्स्ट क्लास इतनी बड़ी कार गिफ्ट कर रहे हो। क्या बात है दया भाभी, कांग्रेस। क्या बात है भाई, मुबारक हो, मुबारक। अभिनंदन है दया भाभी, अभिनंदन। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये गाड़ी सरप्राइज नहीं है भाई, ये तो जहाँ सरप्राइज है उधर तक जाने के लिए गाड़ी मंगाई है। सरप्राइज क्या है जेठा भाई? अरे भाई सॉरी अभी नहीं बता सकता मैं। अरे भाई जेठालाल तुम्हारा जाना अभी के अभी कैंसिल करो। अरे भाई सरप्राइज दया भाभी के लिए है ना, हमें तो बताओ कि क्या सरप्राइज है। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? तुमको अगर मैंने बता दिया तो दया भी तो यहीं खड़ी है, उसको भी मालूम पड़ जाएगा ना, फिर तो पूरा सरप्राइज का मजा किरकिर हो जाएगा। टप्पू के पापा प्लीज बता दीजिए ना क्या है। बताऊंगा बताऊंगा, पहले काम कर, चल गाड़ी में बैठ। हाँ चलो चलो हम लोग भी आते हैं गाड़ी में घूमने के लिए। नहीं रे नहीं गोगी टिकरा, तेरे पापा बाद में तेरे को गाड़ी में घुमाने लेके जाएंगे। हाँ करेक्ट होगी बता। टप्पू बेटा अपना ख्याल रखना। अरे बहू तू टप्पू की चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ऐसे बोलना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखे। बापू जी जा रहे हम लोग। बापू जी आइए। ओहो थैंक यू बाय।
टप्पू तुझे तो पता ही होगा ना कि पापा मम्मी को क्या सरप्राइज देने वाले हैं, बता ना। बहुत मतलब बहुत बड़ी सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि पापा मम्मी को अहमदाबाद जाना है ना। हाँ। तू फिकर मत कर, मैं कुछ भी करके तुझे आज अहमदाबाद लेके जाऊंगा। बोले किसी भी हालत में। अरे बस की टिकट नहीं मिल रही है, ट्रेन की टिकट नहीं मिली है, प्लेन की टिकट नहीं मिली है, और अहमदाबाद में दरिया भी नहीं है, तो हम जहाज से भी नहीं जा सकते। मुझे कैसे लेकर जाएंगे अहमदाबाद? मैं तुझे इस तरह लेके जाऊंगा जिस तरह आज तक कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं लेके गया होगा। चल के ले जाएंगे। अरे दया, तुझे मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं है? तो दिल थाम के बैठी है, अभी आपके सामने आ रही है आपकी अहमदाबाद जाने की सवारी। हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर। ये तो तूने सोचा ही नहीं था ना। तूने क्या सोचा कि मैं तुझे चला के लेके जाऊंगा अहमदाबाद? अरे डोबी, मैं तुझे चला के लेके जा सकता हूँ अहमदाबाद? तेरा मुलायम पाँव को तपलीक दूंगा इतनी। सॉरी सॉरी, वेलकम। अच्छा डोबी के पापा आप चलाएंगे हेलीकॉप्टर? नहीं ना, मुझे नहीं आता चलाना। डोबी हम अहमदाबाद कैसे जाएंगे? अरे इसके पायलट भाई है भाई, वो देखो आ गए। आइए 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 सर, आइए। वेलकम वेलकम। जय जिनेंद्र। आइए ये अभी इसमें हम लोग जाएंगे अहमदाबाद दया। ये वो इधर हैंडल में ना वो लॉक होता है, इसको खोलना पड़ता है। खुल गया। ये इधर। हाँ आइए आइए। हाँ अरे तू जा पहले, तेरे लिए तो मंगाया है। थैंक यू। मैंने हम दोनों के लिए खास मीणबत्ती डिनर का प्रोग्राम बनाया उधर। थैंक यू। अरे तू भी क्या याद करेगी आज की अपनी ये सफर? वो देखो, वो साबरमती। हाँ। अरे वो देखिए, वो काकरे तालाब में, वो हवा देखिए, सुंदर सुंदर भी ना चल रहा है। जल्दी भगाओ पायलट पे, जल्दी भगाओ और भगाओ। कहाँ भी हम दोनों के बीच में याद कर रही है, छोड़ बैठ आराम से बैठ। अहमदाबाद तो बहुत देखा है तूने, चल छोड़। कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख क्या है। वाह
कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख, खुल जा सिम सिम। अहमदाबाद आए हैं तो माँ को तो जाहिर सी बात है मिलने जाना पड़ेगा ही, मतलब मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं तुझे इस गाड़ी में बिठा के पूरे अहमदाबाद में रानी की तरह घुमाना चाहता हूँ। थैंक यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख ड्राइवर। आइए 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 मेरी प्रिंसेस डायना। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए इधर। अरे तू देखता सही, कैसे देखू, मेरी आंखें तो बंद है। थोड़ी धीरज रख, 1 2 3। सॉरी भाई। इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ पगली। बहुत पसंद है, आपको पता है क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ से मेरा पूरा अहमदाबाद दिखता है। लेकिन अब देखिए ना साबरमती नदी कितनी मस्त लग रही है। टप्पू के पापा, थैंक यू। अरे लेकिन दया, मैं तुझे यहाँ सिर्फ ये नजारा दिखाने नहीं लाया हूँ, तो इधर नाश्ता कराने लाया हूँ। नाश्ता? हाँ। अरे यहाँ पर नाश्ता नहीं मिलता है, पता है यहाँ पर दोपहर का और रात का लंच ही मिलता है। अच्छा? हाँ। मुझे पता है पगली, लेकिन आज खास तेरे लिए मैंने यहाँ नाश्ते का बंदोबस्त करवाया है। आजा आजा आजा, बैठते बैठ के नाश्ता करते हैं मस्त। एक मिनट बैठिए। बस वेटर। थैंक यू। अरे खुशबू इसमें नहीं होती है।
अरे भाई को लिखने की जरूरत नहीं है, मुंबई से फोन किया था मैंने। जलेबी फाफड़ा लेके आओ अपना भाई। थैंक यू। अरे दे, ये कि आजकल नई फैशन है क्या? एक ही कान में झुमका? नहीं तो तू बैठ, मैं ढूंढता हूँ। नहीं 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 टप्पू के पापा, आप रहने दीजिए। दया, तू आज रानी है और मैं तेरा दासा हूँ। दासा? जैसा दासी होती है वैसा दासा। तू शांति से बैठ, नाश्ता आएगा नाश्ता कर, मैं तेरा झुमका अभी यूँ ढूंढ के लाता हूँ, रुक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी, आप सुंदर के जीजा जी है ना? हाँ। थैंक यू। जी नी सन सी अपर पान क्या है सर? आपका फोन। हाँ Keep it up. हेलो हेलो सुंदर, तेरे जीजा जी आए हुए हैं। क्या मेरा जीजा जी वहाँ आया? हाँ, तुम्हारा 2 साल का हिसाब बाकी है, वो उनसे मैं ले लूँ? हाँ हाँ भाई, नेकी और पूछ पूछ ले लो ले लो। थैंक यू। आप काफी दिनों से दिखाई नहीं दे, क्या बात है? अभी दिखूंगा ना, अभी हिसाब हो जाएगा ना, मैं तुरंत वहीं आ रहा हूँ। थैंक यू। राजेश भाई, फीस आ गई है ना सबकी? यस। कराते रहो, मैं आता हूँ अभी। ओके। इच। जीजा जी कहाँ है? तो चले गए। पर आपने उनको जाने क्यों दिया? वो कब गए पता ही नहीं चला। आपका हिसाब भी अभी बाकी है। अरे मैंने वो पैसे उनको ही दिए थे। अच्छा मैं अभी उनके पास जाता हूँ और वो पैसे लेके आता हूँ। हाँ पता नहीं अभी कहाँ गए होंगे। अरे अरे चल चल दया, चल जल्दी। वही दया, मेरा फेवरेट नाश्ता। तो कितनी अच्छी है दया, और मैं कितना स्वार्थी हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या बोलूँ, मैं तेरे मन पसंद जगह पे तो तुझे लेके आया, लेकिन नाश्ता मैंने क्या ऑर्डर किया? मेरी पसंद का फाफड़ा जलेबी। सॉरी दया, अभी हम लोग तेरी पसंद का नाश्ता करने जा रहे हैं। कहाँ? आगे आगे देख, हम खाते हैं क्या? अरे ये क्या? दया, अरे तेरा झुमका तो मेरी जेब में से निकला। ये झुमका आपकी जेब में कैसे आ गया? मुझे लगता है वो ऊपर नजारा देखते देखते हम लोग ऐसे बेटा बेटी कर रहे थे ना, तो शायद तेरे कान में से निकल के इसमें गिर गया होगा। आपका फाइन बज रहा है, फाइन तो लीजिए। ओहो हेलो जीजा जी, आप अहमदाबाद में हो ना? किसका फोन है? सुंदर का। मुझे बात करनी है लाइन। एक मिनट देता हूँ। मैं और दया हम दोनों अहमदाबाद में है भाई। हाँ तो अभी आप कहाँ हो? तेरे शहर में। वो तो मुझे पता है, पर शहर में हो कहाँ? तेरे शहर में कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले हमें। अच्छा सुंदर को चैलेंज? हाँ, ओपन गाड़ी में से ओपन चैलेंज देता हूँ।
ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले हमें। पापा अपनी सुंदर हीरो को ऐसा क्यों कहा? मस्ती। अरे जीजा साले का रिश्ता तो मस्ती भरा ही होता है ना। अच्छा मस्ती। देखते हैं वो आज हमें ढूंढ पाता है या नहीं, पकड़ पाता है या नहीं। रोहित क्या, अरे चार रास्ता पे बोल दे, कहीं पे भी ओपन गाड़ी दिखे तो तुरंत मुझे फोन करे, समझ गया? चल भाग। ओके जीजा जी, ओपन गाड़ी की हिंट देके आपने गेम को एकदम इजी कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बचपन में भी सुंदर हीरा के साथ हम लोग लुका छुपी खेलते थे ना, तो सुंदर हीरा ही जीतता था। दया, अहमदाबाद की पौड़ में लुका छुपी खेलना और इतने बड़े शहर में लुका छुपी खेलने में बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी देखते हैं आज कौन जीतता है, एक अहमदाबादी या बम्बई का बाबू। लीजिए, चूहे बिल्ले का खेल प्रारंभ हो चुका है जीजा और साले के बीच में, छुपा छुपी का खेल। भाई बचपन में आप जो हमने कितना खेला, कितना मजा आता था, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने मौका ढूंढ लिया, एक तरफ है अलबेले अहमदाबादी हमारे सुंदर लाल और दूसरी तरफ मुंबई के मन मौजी जेठालाल। अब देखना यह है कि सुंदर किस तरह से ढूंढते हैं जेठालाल को। कहीं सुंदर के लिए जेठालाल को ढूंढना उतना ही मुश्किल तो नहीं है जितना विदेशों में छुपा हुआ काला धन ढूंढना, या फिर इतना आसान भी नहीं होना चाहिए जैसे कोई महिला साड़ी की दुकान में जाए और तुरंत साड़ी पसंद कर ले। लेकिन देखना यह है कि भाई सुंदर ये जेठालाल और दया भाभी को ढूंढने में कितने हंगामे करते हैं। बहुत सारे हंगामे होने वाले इस छुपा छुपी के खेल में, लेकिन हंसी कहीं नहीं छुपेगी, हंसी आपके चेहरों में रहेगी। लेकिन एक खास बात और, कल के एपिसोड में आप देख पाएंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, यानी कि एक बहुत मन लुभावन एपिसोड। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए यूट्यूब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।